हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0। सो कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। सो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं और आज दोस्तों हम फिर से पढ़ेंगे बिल्डिंग ड्राइंग। और ये बिल्डिंग ड्राइंग जो है ये दोस्तों पॉलीटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के लिए है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड हैं, ठीक है, और उनका अगर ये सब्जेक्ट बिल्डिंग ड्राइंग है तो वो जो है अपना यहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक है। और ये खासकर सिविल इंजीनियरिंग के लिए तो है ही, और अगर कोई अदर स्टूडेंट ऐसा है, ठीक है, उसकी ब्रांच में ये सब्जेक्ट है तो वो भी इसको स्टडी कर सकता है, ठीक है। और इसको VT बोर्ड और जो भी झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं दोस्तों, वो खास करके इसको अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। दोनों बोर्ड में ही ये कॉमन चीज़ है, ठीक है, बिल्डिंग ड्राइंग, तो वो यहाँ से स्टडी कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कराई जाएगी, ठीक है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, कुछ दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मुझे कुछ प्रॉब्लम थी, ठीक है, गले में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम था, ठीक है, जिससे मुझे ना बोलने में बहुत दिक्कत हो रही थी, ठीक है। मैं वैसे तो बोल लेता था बट कंटिन्यूसली बोलना मुझे बहुत ही पेनफुल लग रहा था, ठीक है, तो इसलिए मैं दोस्तों वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था। और आप सभी के कमेंट भी आ रहे थे कि सर वीडियो कंटिन्यू करिए, तो यही दोस्तों एक रीज़न था जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। बट अब वीडियो आपको कंटिन्यू मिलेगा, ठीक है, और वीडियो नहीं आ पाया इसके लिए बहुत बहुत आपसे माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। आपको वीडियो दोस्तों अब आपको डेली मिलेगा और कंटिन्यू मिलेगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों बिल्डिंग ड्राइंग में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि पीछे हम क्या स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों बिल्डिंग ड्राइंग में मैं आपको पहली जो ड्राइंग शीट थी आपकी फाउंडेशन यानी कि न्यू, वो भी मैं आपको कवर करा चुका हूं। इसके बाद जो तीसरी ड्राइंग शीट थी दोस्तों आप लोगों की आर्च, ठीक है, क्या थी आर्च, ठीक है, जिसमें हमने सेमी सर्कुलर और सेगमेंटल ये दो तरीके के आर्च पढ़े हुए थे, वो भी हम कवर कर चुके थे। और जो ड्राइंग शीट नंबर 2 थी, ठीक है, यानी दूसरी जो कि जंक्शन है या जिसे आप बॉन्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। वो आपका आज का लेक्चर रहेगा, लेकिन पूरा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आज हम कुछ बेसिक बातें सीखेंगे, फिर हम ड्राइंग भी उसकी बनाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका ड्राइंग शीट नंबर 2 है, आप डाल सकते हैं, ये आपका ड्राइंग शीट नंबर 2 है, ठीक है। मैं सिलेबस आपको बता चुका हूँ कि कुल कितनी ड्राइंग शीट आपकी तैयार होनी है, ठीक है, सिलेबस सभी लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो आप जा सकते हैं, ठीक है। आपको दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है बिल्डिंग ड्राइंग करके, उसमें सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे विद सिलेबस, ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ओके। तो आज दोस्तों हमें जंक्शंस के बारे में पढ़ना है, या जिसे हम बॉन्ड भी कह सकते हैं, ठीक है, तो इनके बारे में हम देखेंगे। अब हमें ये जो जंक्शन पढ़ने हैं, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये होते क्या हैं, ठीक है, कौन कौन से जंक्शन हमें पढ़ने हैं ये हम देखेंगे, ठीक है, और इनको कैसे बनाया जाएगा, कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, फिर इनकी ड्राइंग आपको जो है समझ में आएगी। पहले आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों जंक्शन क्या होगा पहले आप ये समझिए, और कौन कौन से जंक्शन आपके होते हैं। तो दोस्तों आपको दो तरीके के जंक्शन पहले तो पढ़ने में बता दूँ आपको, दोस्तों टी जंक्शन पढ़ना है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इसको समझ लेंगे तो फिर ड्राइंग आपको दोस्तों चुटकियों में समझ में आएगी, और अगर ये समझ में नहीं आए तो फिर आपको रटने के अलावा और कोई चारा नहीं मिलेगा, ठीक है। आपका क्रॉस जंक्शन भी होता है बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। तो ये तीन जंक्शन आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये जंक्शन पहले क्या होता है ये हम समझ लेते हैं दोस्तों सबसे पहले, ठीक है। तो दोस्तों जब भी आपकी कोई दीवार आकर के आपस में मिल जाती हैं, ठीक है, थीके? आपने देखा होगा कि जब भी आपका घर बनता है या आपका कोई रूम बन रहा है तो उसकी जो बाउंड्री वॉल्स रहेंगी वो आपकी आकर के आपस में कहीं ना कहीं तो जॉइंट होंगी, ठीक है। अगर सपोज़ पहली वॉल आपकी ये रही और दूसरी वॉल आपकी आकर के इस तरीके से यहाँ पे ऐड हो जाती है, मतलब कि इस वॉल का कॉर्नर और इस वॉल का कॉर्नर इस तरीके से आकर के आपका मिल जाता है, तो ये आपका जंक्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जंक्शन। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ये वॉल यानी ये दीवार है, दूसरी वॉल आकर के यहाँ पर इस तरीके से जुड़ जाती है, ठीक है, तो ये भी आपका एक तरीके से हम कह सकते हैं जंक्शन है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो वॉल थी और एक वॉल इस तरीके से चली जाती है, तो ये भी दोस्तों आपका जंक्शन ही है, ठीक है। अब ये देखिए कौन कौन सी जंक्शन है, तो ये आपका एल जंक्शन है, ये टी जंक्शन, ये क्रॉस जंक्शन है, ठीक है। जब दो दीवारें आकर के उनके जो कॉर्नर हैं वो आपस में जॉइंट होते हैं 90 डिग्री पे, तो वो आपका दोस्तों कहलाता है एल जंक्शन, ठीक है। और जब कोई दीवार आकर के किसी दीवार से जुड़े, बस उसके कॉर्नर पे ना जुड़े, ठीक है, बीच में कहीं भी आकर के 90 डिग्री पे जुड़ जाए, तो वो आपका टी जंक्शन हो जाता है। आप देख सकते हैं ये टी अक्षर जैसा आपको दिख रहा होगा, इसीलिए इसको हम लोग टी जंक्शन कह देते हैं, ठीक है। और क्रॉस जंक्शन ये हो गया आपका, ठीक है, इस तरीके से,
ओके। अब जैसे अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा समझा भी देता हूँ। जैसे आपने सपोज ये रूम बनाया, ठीक है, तो ये रूम में आपकी चारों दीवारें हैं, ठीक है, ये क्या है, वॉल्स है आपकी, क्या है, दीवारें हैं। तो अगर आप मान लीजिए पहली दीवार ये ले लेते हैं, दूसरी दीवार ये ले लेते हैं, तो ये जो जंक्शन बना आपका, यानी कि यहाँ से लेकर के ये और ये आपका क्या है, एल जंक्शन है। एल के जैसा ही तो दिख रहा है, ये जो है एल के जैसा ही तो दिख रहा है, तो एल जंक्शन हो गया। अगर आप लोग इस दीवार को ले लेते हैं, ये वाली और ये वाली ले लेते हैं, तब भी आपका एल जंक्शन बन जाएगा। अगर आप इस दीवार को ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, तब भी आपका एल जंक्शन बन जाएगा। आप इस दीवार को ले लेते हैं और इस दीवार को ले लेते हैं, तब भी आपका एल जंक्शन बन जाएगा। ये सपोज़ दोस्तों आपका क्या है, रूम है, ठीक है, क्या है दोस्तों, आपका रूम है, तब भी ये आपका एल जंक्शन ही बनेगा, ठीक है। अब आपका दोस्तों टी जंक्शन कब बनेगा, अब सपोज़ इसी रूम का हम लोग पार्टीशन करना चाहते हैं, ये जो रूम है हमारा, इसका हम लोग पार्टीशन करना चाहते हैं, दो भागों में बांटना चाहते हैं, तो हमने बीच से एक इस तरीके से जो है डिवाइड वॉल यहाँ पे डाल दी, एक दीवार हमने इस तरीके से यहाँ पे खड़ी कर दी। तो अब आप देखिएगा कि ये जो दीवार है और ये जो दीवार है, ये आपका टी जंक्शन का काम करेगी, किसका काम करेगी, टी जंक्शन का, ठीक है, तो समझ में आ गया। अब हम अगर बात करें एक्स जंक्शन की, ये प्लस जैसा होता है दोस्तों, ठीक है, जो आपका एक्स जंक्शन या क्रॉस जंक्शन होता है, वो आपका प्लस जैसा होता है। तो अगर आपको मान लीजिए इस रूम को और इस रूम को भी डिवाइड करना है, तो आप एक दीवार ऐसे बना दीजिए ये, तो अब जो ये दीवार है और जो ये दीवार है, ठीक है, ये हम दोस्तों कमरे का टॉप व्यू देख रहे हैं, ये भी ध्यान दीजिए आप लोग, इतना तो समझ ही रहे होंगे, ये हम कमरे का टॉप व्यू देख रहे हैं, कमरे को ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर से हम इसको इमेजिन कर रहे हैं। तो ये जो दीवार है और ये जो दीवार है, ये हमारा क्रॉस जंक्शन कहलाएगी, ठीक है। तो इन्हीं जंक्शंस की हमको ड्राइंग पढ़नी है। तो एल जंक्शन क्या होता है, समझ गए होंगे, टी जंक्शन क्या होता है, समझ गए होंगे, और क्रॉस जंक्शन क्या होता है, ये भी आप समझ गए होंगे। मैंने एक रूम की हेल्प से आपको पूरा समझा दिया, एक कमरे में कहाँ एल जंक्शन बनेगा, कहाँ टी जंक्शन बनेगा और कहाँ पे आपका क्रॉस जंक्शन बनेगा, ठीक है। तो ये आपके जंक्शन होते हैं, आप इनको जुड़ाव या फिर मिलाव कह सकते हैं, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं ये हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क से रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ी बिल्डिंग ड्राइंग रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों जो ये आपने जंक्शन देखे अभी, ये हम बनाएंगे तो ये कितनी ईंट के लिए बनाएंगे, क्योंकि ये जंक्शन जो हम बनाएंगे वो हमारी ईंट से ही बनेंगे, क्योंकि ये हम जो पढ़ रहे थे ये दीवारें थी हमारी, तो दीवार तो हम किससे बनाएंगे, ईंट से बनाएंगे। तो ये दोस्तों हमको पढ़ना है एक ईंट के लिए, यानी वन ब्रिक के लिए, ठीक है। ये हमको पढ़ना है दोस्तों डेढ़ ईंट के लिए, ठीक है, यानी वन, ठीक है, ये हो जाएगा आपका टू ब्रिक, ठीक है। हमको इतने के लिए जो है जंक्शन पढ़ने हैं, पहले पढ़ेंगे एक ईंट के लिए, फिर हम पढ़ेंगे डेढ़ ईंट के लिए, फिर हम दो ईंट के लिए। एक ईंट का मतलब सभी लोग समझते होंगे 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार के लिए हम पढ़ेंगे पहले, ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे दोस्तों डेढ़ ईंट यानी कि 30 सेंटीमीटर के लिए, फिर दोस्तों हम पढ़ेंगे दो ईंट यानी 20 × 40 सेंटीमीटर के लिए, ठीक है। तो इतने साइज के हिसाब से हमको क्या पढ़ने हैं, जंक्शन पढ़ने हैं, ठीक है। तो जंक्शन मेरे हिसाब से सभी लोगों को समझ में आ गए होंगे कि एल टी क्रॉस जंक्शन क्या होते हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। चलिए अब आगे थोड़ा सा मूव कर लेते हैं, हो सकता है दोस्तों आज के लेक्चर में आपका केवल थ्योरी ही कंप्लीट हो पाए, लेकिन प्लीज़ करके अच्छे से समझ लेना, ताकि आप जब ड्राइंग बनाएं तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो दोस्तों अब जब हमने जंक्शन पढ़े, तो जंक्शन में हमने देखा कि जो हमारी दीवारें बनी हुई हैं वो ईंट से बनी हुई हैं, ठीक है। तो अब हम कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं दोस्तों ईंट से रिलेटेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए, ठीक है। तो हम ब्रिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ठीक है, और ये नोट कर लेना बहुत अच्छे से। तो दोस्तों ब्रिक तो सभी लोगों ने देखा होगा, ईंट तो सभी लोगों ने देखा होगा, फिर भी मैं उसका 3D व्यू यहाँ पे आपके सामने बना देता हूँ, ठीक है। अच्छे से ये ध्यान रखिए सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, क्योंकि ईंट सीमेंट चूना गिट्टी बालू यही आपके जीवन का सार है, यही आपको अब पढ़ना है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिए, ठीक है, यही अब आपको पूरा जब तक आपका डिप्लोमा कवर नहीं हो जाता यही देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इस तरीके से आपकी ईंट होती है, सभी ने देखा होगा, कुछ नंबर यहाँ पे नोट रहता है, तो वो भी मैंने कर दिया, ठीक है। ये दोस्तों आपका क्या है, ब्रिक है, ठीक है, हिंदी में हम इसको ईंट बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि जो ये ईंट होती है दोस्तों, इसका जो लेंथ रहता है ये वाला, मैं स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, ठीक है।
तो ये आपका होता है दोस्तों 19 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना होता है 19 सेंटीमीटर। इसके बाद मैं इसकी अगर ये वृत्त की बात करूँ, ये जो चौड़ाई है तो ये रहती है 9 सेंटीमीटर। इसके बाद जो दोस्तों ये थिकनेस है, ये वाली ये थिकनेस होती है, ये वृत्त होती है, ये भी वृत्त है और ये भी थिकनेस है। ठीक है, तो ये भी दोस्तों 9 सेंटीमीटर ही रहती है। हालांकि आपको रेक्टेंगल शेप की दिख रही होगी, बट आपका जो स्टैंडर्ड साइज़ रहता है वो यही रहता है। ठीक है, जो गांव में हम लोग ईंट बनाते हैं वो स्टैंडर्ड साइज़ हमारी नहीं रहती है, मतलब स्टैंडर्ड साइज़ की नहीं रहती है वो। ठीक है, तो ये आपने साइज़ देखा, तो साइज़ ऑफ ब्रिक आपको ध्यान रखना है, और वो भी स्टैंडर्ड साइज़ है, ये आपका मानक माप है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि ईंट का स्टैंडर्ड साइज़ क्या होता है, तो आप ईंट का स्टैंडर्ड साइज़ बताएंगे दोस्तों 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। ये ईंट की लेंथ है, ये ईंट की विड्थ है, और ये आपका कह सकते हैं थिकनेस है। ठीक है, क्या है दोस्तों? थिकनेस। ठीक है, ये ईंट का थिकनेस है, समझ में आ गया। ये जो होता है ईंट का लेंथ होता है, ये ईंट का विड्थ होता है, ये ईंट का थिकनेस होता है। तो तीनों मैंने आपको मेजरमेंट यहाँ पे बता दी। ठीक है, अब अगली बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ईंट में हेडर क्या होता है, ईंट में स्ट्रेचर क्या होता है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग ड्राइंग पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, तो स्ट्रेचर क्या होता है? तो दोस्तों ईंट का वो भाग, या हम कह सकते हैं वो फलक, ठीक है, जिसमें ईंट की लेंथ आ जाती है और ईंट की थिकनेस आ जाती है। जैसे ये आपकी ईंट है, मैं फिर से बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार मैं थोड़ा सा अच्छा बना देता हूँ। जैसे ये ईंट है, ये क्या है आपका ईंट है। तो ईंट की वो मेजरमेंट दोस्तों, या वो फलक हम कह सकते हैं, जिसमें ईंट की लेंथ आ जाए हमारी और थिकनेस आ जाए, तो वो वाला जो सरफेस रहेगा इसका, वो वाला जो फलक रहेगा, वो हमारा स्ट्रेचर कहलाता है। क्या कहलाता है? स्ट्रेचर, जिसमें क्या क्या आ जाए, लेंथ आ जाए और उसकी थिकनेस आ जाए। ये दो चीज़ें अगर आपको देखने को मिलती हैं तो आप कहेंगे कि ये जो वाला पार्ट है वो ईंट का आपका स्ट्रेचर होता है। ठीक है, इसको हिंदी में पट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, आप इंग्लिश वर्ड यूज़ करें, ये वाला स्ट्रेचर। ठीक है, तो स्ट्रेचर क्या होता है ईंट में? अगर आपको कोई ईंट दे दे और बोले कि जो इसके 6 फलक हैं इसमें से स्ट्रेचर कौन सा है, तो आप बताएंगे कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो फलक है, ये वाला जो सरफेस है, वो ईंट का स्ट्रेचर है। ठीक है, जिसमें ईंट की लेंथ आएगी और ईंट की थिकनेस आएगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ईंट में दो स्ट्रेचर होते हैं, क्योंकि एक पीछे भी तो होगा, इसके पीछे भी तो होगा। चलिए, समझ में आ गया ना? चलिए, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि स्ट्रेचर का साइज़ क्या होगा, तो बता दीजिए जल्दी से स्ट्रेचर का साइज़ क्या होगा। तो स्ट्रेचर का साइज़ क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए, लेंथ तो वही रहेगी 19 सेंटीमीटर, और जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस है वो कितनी है, ये वाली बताइए, ये 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका किसका साइज़, स्ट्रेचर का साइज़। चलिए, अब आप बात कर लेते हैं हेडर की। तो हेडर दोस्तों जो होता है वो ईंट का वो वाला सरफेस होता है जिसमें ईंट की ब्रेथ आ जाती है और थिकनेस आ जाती है। क्या क्या? ब्रेथ आएगी और थिकनेस आएगी, ये ध्यान रखिए, दो चीज़ें ये आएंगी आपकी किस में, हेडर में। ठीक है, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि ये वाला जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है वो ईंट का हेडर होगा। क्या होगा? ईंट का हेडर होगा, क्योंकि ये इसकी ब्रेथ हो जाएगी, ये इसकी थिकनेस हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ आपसे कि इसका साइज़ क्या होगा हेडर का, तो आप हेडर का साइज़ क्या बताएंगे? आप बताएंगे ब्रेथ, यानी कि 9 सेंटीमीटर, और अगर मैं थिकनेस बोलूँ तो बताएंगे 9 सेंटीमीटर, यानी कि 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर जो रहेगा ये आपका हेडर का साइज़ रहेगा। ठीक है, तो अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि सर हेडर भी ईंट में दो होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं, एक ये सामने वाला और इसके पीछे भी आपका एक क्या रहेगा, हेडर रहेगा। ठीक है, ये वाला और इसके पीछे। ठीक, तो ये ईंट में दो हेडर और दो स्ट्रेचर रहते हैं। स्ट्रेचर और हेडर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ करके बहुत बहुत अच्छे से ये माइंड में आप लोग सेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्या होता है स्ट्रेचर, क्या होता है हेडर, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि पूरी की पूरी जो जंक्शन या जो बॉन्ड हम पढ़ने वाले हैं उसमें इसी का काम है, स्ट्रेचर क्या है, हेडर क्या है। ठीक है, ये समझ में आ गया तो सारी चीज़ आप समझ जाएंगे। ओके, इतना कवर हो गया। अब आप कहेंगे ये ऊपर क्या दिख रहा है, आपने ईंट देखा होगा तो कुछ इस तरीके की ये स्ट्रक्चर दिखी रहती है, थोड़ी गहरी होती है, डीप होती है। इसको दोस्तों हम कहते हैं फ्रॉग, ये हमारा फ्रॉग होता है जिसको हम दिल्ला बोलते हैं। और ये क्यों बनाया जाता है,
ये इसलिए बनाया जाता है ताकि बॉन्डिंग अच्छी से हो पाए। अगर इसके ऊपर दूसरी ईंट रखी जाए मोर्टार रख के या मसाला लगा करके, तो बॉन्डिंग उसकी अच्छे से हो, मतलब ऊपर वाली ईंट नीचे वाली ईंट को बहुत अच्छे से पकड़े रखे, इसलिए ये बनाया जाता है। ठीक है, और जो नीचे ईंट का सरफेस रहेगा वो बेड ऑफ ब्रिक होगा, यानी ईंट का हम कह सकते हैं तल रहेगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको समझ में यहाँ पे आ गई होगी। ठीक है, तो ये आपको साइज़ अच्छे से याद रखना है कि ईंट का साइज़ क्या रहेगा, स्ट्रेचर का साइज़ क्या रहेगा, ये रहा कहाँ चला गया स्ट्रेचर का साइज़, ये रहा। ठीक है, और हेडर का साइज़ क्या रहा, ये रहा। ठीक है, ये दो चीज़ आपको बहुत अच्छे से माइंड में सेट करके रख लेनी है। ठीक है, चलिए इतना सभी लोगों को दोस्तों यहाँ पे समझ में आ गया होगा, तो इतनी चीज़ आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे और मूव करते हैं, कुछ बेसिक बातें आपके सामने करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में दोस्तों केवल बेसिक बातें रहेंगी, और अगर आप ये समझ लेंगे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि आप पूरा का पूरा जो ये बॉन्ड हम पढ़ने वाले हैं, इसकी जो ड्राइंग पढ़ने वाले हैं, वो आप अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, और अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। चलिए, तो इतनी बात सभी लोग समझ गए होंगे दोस्तों। ठीक है, जितने मैंने आपको बताया हुआ है, चलिए अब कुछ और महत्वपूर्ण बातों के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों दीवार तो मैक्सिमम लोगों ने देखी होगी बनी हुई, कैसे बनी होती है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बना देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊँगा कुछ और बातें। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो दोस्तों जैसे कि मैं एक दीवार बना रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए मैं एक वॉल यहाँ पे खड़ी कर रहा हूँ। ओके, जैसे कि सपोज़ मैंने ये बना दी आपकी दीवार, ये देखिए, चलिए ये रहा आपका दीवार। ओके, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं इसको, ये आपका दीवार है। ठीक है, समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत टाइम है आपके पास, आपका सिलेबस हो ही जाएगा। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा मैं बना देता हूँ, ये आपका दीवार बन गया। ओके, चलिए ये आपका दीवार बन गया। ठीक है ना, तो अब इसमें दोस्तों आपको समझना है कि रद्दा क्या होता है, क्या समझना है, रद्दा क्या होता है। इसके बाद फिर रद्दा को हम बोलते हैं कोर्स, COURSE, कोर्स बोलते हैं। कोर्स के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ज्वाइंट समझना है, ज्वाइंट क्या होता है। ठीक है, फिर आपको बॉन्ड समझना है, बॉन्ड क्या होता है। ये तीन टर्म आपको यहाँ पे सीखना इस दीवार से। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए, तो पहले आप समझिए कि बॉन्ड क्या होता है। तो दोस्तों बॉन्ड क्या होता है कि हमने ईंटों को लिया और जो मसाला हमारा तैयार है, मसाला को हम बोलते हैं मोर्टार। ठीक है, क्या बोलते हैं, मोर्टार। ठीक है, जो भी हमारा बालू सीमेंट पानी का मिक्सर तैयार हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, मसाला बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना। और अगर उसी में हम लोग क्या डाल देते, गिट्टी डाल देते, तो वो हमारा सीमेंट कॉन्क्रीट बन जाता। ठीक है ना, CC बन जाता, वो भी हम पढ़ाएंगे आपको, जब आपको सीमेंट कॉन्क्रीट पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जब दोस्तों आपने ईंट ले ली, आपने मसाला ले लिया और उसको आपस में जोड़ना शुरू कर दिया, मतलब कह सकते हैं ईंटों को मसाले की हेल्प से जोड़ना आपका क्या कहलाता है, बॉन्ड कहलाता है, या फिर बॉन्ड इन मैसनरी कहलाता है। ठीक है, अब एक शब्द और यहाँ पे नया निकल करके आ गया, मैसनरी। तो मैसनरी का मतलब होता है दोस्तों चिनाई काम, क्या बोलते हैं इसको, चिनाई करना बोलते हैं। और चिनाई करना का मतलब क्या होता है कि आप लोग एक दीवार खड़ी कर रहे हैं, वही आपका चिनाई का काम होता है। ठीक है, तो वही आपका मेनली बॉन्ड होता है कि आपको करना क्या है कि आप ईंट ले लीजिएगा, ईंट की सहायता से और जो आपने मसाला तैयार करा हुआ है उसकी सहायता से दीवार खड़ी कर दीजिए। लेकिन दीवार ऐसे ही खड़ी नहीं कर देना है, उसमें भी कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली बॉन्ड आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले रद्दा यानी कि कोर्स क्या होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे कि ये जो दीवार खड़ी हुई है, ये जो बॉल आपकी खड़ी हुई है, इसमें आपको दोस्तों चार स्ट्रिप दिख रही होंगी, वो भी हॉरिजॉन्टल। कैसी हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, आपको हॉरिजॉन्टल कितनी स्ट्रिप दिख रही होंगी, चार। कैसे, पहली स्ट्रिप ये हो गई, दूसरी स्ट्रिप ये हो गई यानी पट्टी, तीसरी स्ट्रिप ये, चौथी स्ट्रिप ये। तो ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होती हैं, इन्हीं को हम लोग दोस्तों रद्दा या फिर कोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोर्स। ठीक है, यानी कि ये जो दीवार है वो चार रद्दे की है। कितने रद्दे की है, चार रद्दे की। ध्यान रखिए, पहला रद्दा, दूसरा रद्दा, तीसरा रद्दा, चौथा रद्दा। ठीक है, जो ईंटों की ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही है, पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, यही आपका रद्दा होता है। ठीक है, गाँव के लोग सभी लोग जानते होंगे बेसिकली, और जो लोग नहीं जानते वो भी धीरे धीरे सीख जाएंगे। ठीक है, तो रद्दा क्या होता है, समझ में आ गया ना। ईंटों की जो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होती है, ठीक है ना, उसको हम लोग रद्दा कहते हैं, कोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे अगर हम टोटली बात करें तो कितने रद्दे हैं, चार हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। समझ में आ गया ना। तो आप ये जो टर्म आता है कोर्स यानी रद्दा क्या होता है, वो भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब बचा है केवल आपका ज्वाइंट। तो ज्वाइंट क्या होता है,
तो दोस्तों जब हम लोग दो ईंटों को इस तरीके से जोड़ते हैं, क्योंकि ये जॉइंट जो है दो तरीके का होता है, तो हम दोनों समझेंगे। तो पहले देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने ये दो ईंटें ले ली, पहली ईंट ये रही, थोड़ा सा मैं बना देता हूँ ताकि आप समझ जाएँ, ये पहली ईंट हो गई और ये दूसरी ईंट, ठीक है। ये मैंने दो ईंट ले ली और इनको मैंने क्या करा, मसाले की सहायता से जोड़ दिया। मैंने यहाँ पे क्या लगाया, मैंने यहाँ पे लगाया दोस्तों मसाला, यानी कि मोर्टार, ठीक है। और ये जो दोनों आपकी हैं, ये क्या है, ब्रिक हैं। क्या है आपकी, ब्रिक्स यानी ईंट है। तो ईंटों को मैंने मसाले की सहायता से जो जोड़ा, ये आपका जॉइंट होता है। क्या होता है, इसको हम कहते हैं जॉइंट। क्या कहते हैं दोस्तों, जॉइंट कहते हैं। लेकिन ये कौन सा जॉइंट है, ये भी आपको ध्यान में देना है। तो जॉइंट दोस्तों आपके दो तरीके के होते हैं, पहला होता है वर्टिकल जॉइंट और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल, यानी कि क्षैतिज जॉइंट, ये हो गया क्षैतिज और ये हो गया ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल। तो वर्टिकल जॉइंट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल जॉइंट क्या होगा, ये ध्यान रखिए। तो इस दीवार में ध्यान दीजिए, जो आपकी दो ईंटों के बीच का जो ये जुड़ाव होता है, ये वाला, ये दो ईंटों के बीच का जो ये जुड़ाव होता है, ये इसको हम कहते हैं दोस्तों वर्टिकल जॉइंट। इसको क्या कहते हैं, ये जैसे ही हो गया, ये हो गया, इसको हम कहते हैं वर्टिकल जॉइंट। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या कहते हैं, वर्टिकल जॉइंट। लेकिन जो दो कोर्स के बीच में आप जॉइंट देखेंगे, किसके बीच में, ध्यान रखिए, दो रद्दों के बीच में जो जॉइंट है, जैसे पहला रद्दा ये और दूसरा रद्दा ये, तो उसके बीच में जो ये वाला जॉइंट है, ये वाला, ये जो जॉइंट है, ये जो मसाला आपने लगा रखा है, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल जॉइंट। ये हॉरिजॉन्टल जॉइंट है, ये भी आपका हॉरिजॉन्टल जॉइंट है, ये वाला इस और इस रद्दे के बीच में, ये भी आपका हॉरिजॉन्टल जॉइंट है इस और इस रद्दे के बीच में, ठीक है ना। और ये जो आपको सारे के सारे दिख रहे हैं, ये जो आप वर्टिकल लाइन देख रहे हैं छोटी छोटी सी, दो ईंट के बीच में, दो ब्रेक के बीच में, वो आपका वर्टिकल जॉइंट होता है। ये आपके सारे के सारे वर्टिकल जॉइंट है, ठीक है ना। थोड़ी बारिश हो रही है, हो सकता है नॉइज़ आपके पास आ रहा हो, लेकिन एडजस्ट करिए थोड़ा सा, ठीक है, इतनी प्रॉब्लम आपको नहीं हो सकती, ठीक है। थोड़ा थोड़ा नॉइज़ हो सकता आ रहा हो, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, बट आप कंसंट्रेट करिए अपने माइंड को, ठीक है, समझिए अच्छे से। तो आपको वर्टिकल जॉइंट और हॉरिजॉन्टल जो जॉइंट है, दोनों समझ में आ गए होंगे। दो ईंट के बीच में जो ये वर्टिकल आप जॉइंट देख रहे हैं, ये वाला, और जो दो कोर्स, दो रद्दे के बीच में जो ये जॉइंट आप देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल, इसको कहते हैं वर्टिकल, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको जॉइंट भी दोस्तों समझ में आ गया होगा, बॉइंट आपका बॉन्ड भी समझ में आ गया होगा, ठीक है, आपको रद्दा भी समझ में आ गया होगा। लेकिन अब मैंने आपको बॉन्ड में एक बात बोली थी कि बॉन्ड का मतलब ये है कि आप सीमेंट मसाला लीजिए, ईंट लीजिए और आप एक दीवार खड़ी करिए, ठीक है, मिशनरी काम करिए, चिनाई काम करिए, लेकिन उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने होते हैं। वो रूल्स और रेगुलेशन क्या होते हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। आपको ऐसा नहीं करना है कि अगर आपके पास मसाला आ गया और आपके पास ईंट आ गई तो आप कैसी भी दीवार खड़ी कर दें, उसमें भी आपको कुछ चेक करना होगा। और वो क्या चीज़ है, तो मैं वो आपको बता देता हूँ। बेसिकली अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे एक दीवार खड़ी करके दीजिए, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सबसे पहले यहाँ मसाला लगाएंगे। ये जो पट्टी मैं बना रहा हूँ इस तरीके से लाइन के फॉर्म में, वो आपका मसाला को दिखाएगी। आपने कन्नी ली, कन्नी के सहायता से आपने मसाला फैला दिया, ठीक है। फिर आपने ईंट लगाई, ये देखिए पहली ईंट लगा दी, देखते जाना दोस्तों यहाँ पे, ये मैं फ्रंट व्यू बना रहा हूँ, दीवार का फ्रंट व्यू है ये। फिर आपने दूसरी ईंट लगा दी, फिर आपने तीसरी ईंट लगा दी, फिर आपने चौथी ईंट लगा दी। आप इसी तरीके से तो लगाएंगे, इसके ऊपर फिर से मसाला लगाएंगे आप लोग। फिर आप ईंट रखेंगे, ये मैंने रख दी, आप फिर दूसरी ईंट रखेंगे, मैंने रख दी, आप तीसरी ईंट रखेंगे, मैंने रख दी, आप चौथी ईंट रखेंगे, मैंने रख दी, फिर आप मसाला लगाएंगे, फिर आप पहली ईंट रखेंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इसी तरीके से फिर मसाला लगाएंगे। और इस तरीके से आप क्या करेंगे, पूरी की पूरी दीवार खड़ी कर देंगे, है ना, समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। आपने इस तरीके से पाँच रद्दे की, पाँच कोर्स की ये जो वॉल है वो खड़ी कर दी। क्या जो आपने दीवार खड़ी करी ये सही है दोस्तों, दीवार तो आपकी बढ़िया से तैयार हो गई, आप इसमें प्लास्टर कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, एकदम बिंदास लग रहा है, ठीक है, लेकिन तरीका गलत है। ये आपका जो दीवार है दोस्तों, गलत तरीके से खड़ा करा गया है। ये दीवार गलत क्यों है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं आपको सही तरीका भी बताऊँगा और सही तरीका क्या है वो भी यहाँ पर हम समझेंगे, ठीक है। इसमें गलत चीज़ क्या है, तो दोस्तों गलत चीज़ ये है कि आपका जब इस दीवार पर लोड यहाँ पर आएगा, इस दीवार के ऊपर लोड आएगा, सपोज लोड आपका इस पॉइंट पे आ रहा है, मतलब इस ईंट पे आपका लोड आ रहा है, तो वो लोड कहाँ पे जाएगा, इस ईंट पे जाएगा पूरी पे, है ना। और जब इस पे लोड आएगा तो फिर वो नीचे ट्रांसफ़र होगा, तो नीचे वाली पे चला जाएगा, इससे इस पे चला जाएगा,
इस वाली से इस पे चला जाएगा, फिर इस वाली से इस पे चला जाएगा, है ना। लोड इसी तरीके से ट्रांसफ़र होगा। अब आप कह रहे होंगे कि सर साइड में नहीं जाएगा क्या? साइड में लोड नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इस ईंटों के नीचे जब ये ईंट ही नहीं आ रही हैं तो लोड कैसे जाएगा? अगर मैं आपके ऊपर ना बैठूं, आपके बगल में खड़ा रहूं और मैं कहूं भाई आपके ऊपर कितना वेट आ रहा है, तो आपके ऊपर वेट आएगा? नहीं आएगा ना। अगर मैं बताइए, ये आपके साइड में खड़े हुए हैं और आप कह रहे हैं भाई साहब आपके ऊपर कितना लोड आ रहा है, तो नहीं आएगा। अगर आप उस इंसान के ऊपर बैठेंगे ना, तभी तो जाकर के उसके ऊपर लोड आएगा, है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिली कि जो लोड है दोस्तों, वो एक तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो एक यहाँ पे पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब पूरी की पूरी दीवार पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, ठीक है। जो लोड आ रहा है दीवार पे वो एक समान रूप से नहीं आ रहा है, मतलब पूरी की पूरी ईंटों पे लोड नहीं आ रहा है, जिससे होगा क्या कि जो ये वाली ईंटें ये धस जाएंगी नीचे की ओर, नीचे की ओर दब जाएंगी। दबने से होगा क्या कि पूरी की पूरी दीवार में क्रैक्स आ जाएंगे, अगर आपने प्लास्टर कर रखा है, और क्रैक्स आ जाएगा तो चटक जाएगी, चटक जाने के बाद क्या हो जाएगी, पूरी दीवार आपकी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, है ना। समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट आपको। और ये हुआ क्यों? ये दोस्तों इसलिए हुआ कि जो आपके दो ईंट के बीच का जो वर्टिकल जॉइंट था, वो सभी के सभी कोर्स में एक सीधी रेखा में था। जो ये वर्टिकल जॉइंट था, इस पहले कोर्स में भी देखिए, इस दूसरे कोर्स में भी देखिए, इस तीसरे कोर्स यानी रद्दे में देखिए, चौथे रद्दे में देखिए, पाँचवें रद्दे में देखिए, ये जो वर्टिकल जॉइंट है एक सीधी रेखा में है, ये भी सीधी रेखा में है, ये भी सीधी रेखा में है। तो सीधी रेखा में होने की वजह से आपका जो लोड था वो पूरी दीवार पे ना जा करके एक ही ईंट के सहारे नीचे की ओर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, जिससे दीवार फेल हो गई और होगी फेल, ठीक है ना। अगर कोई घर में आपके कारीगर आता और ऐसी दीवार खड़ी करके जाता है कि ईंट के जॉइंट एक सीधी रेखा में दिखते हैं, तो आपकी दीवार फेल हो जाएगी, ज़्यादा लोड नहीं बियर कर पाएगी। तो सही तरीका क्या होगा? सही तरीका ये होगा कि कोशिश हमें ये करनी है दीवार खड़ी करते टाइम कि जो ये जॉइंट आ रहे हैं वो एक सीधी रेखा में ना आए, इनको तोड़ना पड़ेगा। और ये कब टूटेंगे तो मैं बताता हूँ आपको कब टूटेंगे। तो आप अगर मान लीजिए दीवार खड़ी कर रहे हैं, तो पहले मसाला लगाया आपने, बिल्कुल, इसके बाद ये ईंट लगाई, लगा दी मैंने, दूसरी लगाई मैंने, लगा दी, तीसरी मैंने लगा दी। अब मुझे कोशिश ये करनी है कि जो मैं ऊपर से ईंट लगाने वाला हूँ, उसमें कैसे भी करके जॉइंट, इस जॉइंट के सीध में ना आए। तो हो सकता है मैं दोस्तों हाफ ब्रिक लगा देता हूँ, मैंने आधी ईंट लगा दी, ठीक है। मुझे सॉल्यूशन निकालना कैसे भी करके, मैंने आधी ईंट लगा दी, ठीक है। आधी ईंट लगाने के बाद मैंने पूरी ईंट लगा दी मैंने, फिर मैं पूरी ईंट लगाता गया इस तरीके से, ठीक है। मैं क्या करता गया, पूरी ईंट लगाता गया ऐसे, तो आप देख सकते हैं जॉइंट टूटना शुरू हो गया, है ना। मैंने फिर क्या करा, मसाला लगाया, फिर मैंने पूरी ईंट ली लगा दी, फिर मैंने पूरी ईंट ली लगा दी, फिर मैंने पूरी ईंट ली लगा दी, इस तरीके से आगे काम चलता गया। इसके बाद मैंने फिर आधी ईंट लगाई, फिर मैंने पूरी ईंट लगाई, फिर मैंने पूरी ईंट लगाई, और इसी तरीके से काम चलता रहा। फिर मैंने यहाँ पर पूरी ईंट लगा दी, फिर मैंने पूरी ईंट लगा दी, फिर मैंने पूरी ईंट लगा दी, और ये मेरा काम चलता रहा। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमने जो है आसानी से यहाँ पे जॉइंट को तोड़ दिया। अब आप कहेंगे कि सर ये वाला जॉइंट और ये वाला जॉइंट तो सीध में आ रहा है, आ रहा है, बट ये आपका कह सकते हैं कंटिन्यूसली नहीं आ रहा है। इसमें कंटिन्यूसली आ रहा था, इसमें गैपिंग भी नहीं थी, एक भी कोर्स में गैपिंग नहीं थी, एक भी रद्दे में गैपिंग नहीं थी, लेकिन इसमें गैपिंग हमने कर दी। क्या इस रद्दे में मैच आपका कर रहा है, बॉन्ड सॉरी जो जॉइंट है यहाँ पे मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। हमने क्या करा, इस खिसका दिया यहाँ पे साइड में, तो अब ये कह सकते हैं एक सीध में नहीं आ रहा है। अब होगा क्या, अब होगा ये कि जो लोड ऊपर से आएगा ना, वो पूरी की पूरी दीवार पे जाएगा। कैसे जाएगा, प्रूव करके दिखाइए, मैं बताता हूँ। यहाँ से लोड इस ईंट पे आया, तो इस पूरी ईंट पे लोड आ गया ना, इस पूरी ईंट पे। अब जब इस ईंट के नीचे ये ईंट है, इस ईंट के नीचे ये ईंट है, तो इस पे भी लोड आएगा, बिल्कुल जाएगा। अगर भाई साहब हम आपके ऊपर बैठे हैं तो लोड आपके ऊपर ही आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यानी इस ईंट से लोड इन दोनों पे पहुंच गया, बिल्कुल। अब इन ईंट के नीचे जो ईंट होगी उन पे लोड जाएगा, तो एक ये है, एक ये है, और एक ये है, तो लोड यहाँ पे भी पहुँच गया, है ना। चलिए तीन ईंट पे पहुँच गया। अब इन तीन के नीचे जो होगा उन पे लोड जाएगा, तो एक ये हो गई, दो तीन चार ईंट हो गई, तो इन चारों पे लोड पहुँच गया। अब इन चार के नीचे जो होगा उन पे लोड चला जाएगा, तो ये फिर नीचे सारी की सारी ईंटें जो हैं उन पे लोड चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं लोड कैसे बढ़ता चला जा रहा है। इस साइड आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो लोड था यहाँ से ऐसे बढ़ रहा है, बट इसमें भाई साहब लोड सीधा आ रहा था, तो ईंट यहाँ से धसना शुरू हो जाएगा नीचे की ओर। ईंट जब धसेगी तो क्रैक्स आएंगे, क्रैक्स आएगी तो पूरी की पूरी दीवार आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, बट इसमें ऐसा नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो लोड आ रहा था उसमें सभी ईंटों की सहभागिता है, सभी इसको बियर कर रही हैं और नीचे आपका जो ज़मीन है, ग्राउंड है, उसमें आपका ट्रांसफ़र कर रही हैं, है ना। तो इस तरीके से ये जो चिनाई काम का आपने किया है, ये जो मेसनरी वर्क आपने किया है, जो ईंट लगाने का आपने काम किया है, वो बहुत अच्छा है, ठीक है। इसमें आपकी जो कह सकते हैं दीवार है वो लॉन्ग टाइम ड्यूरेबल रहेगी, लोड अधिक से अधिक बियर करेगी, फेल नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये मेसनरी का सही तरीका है, लेकिन इसमें भी कुछ दिक्कतें हैं। इसमें दिक्कतें ये हैं कि हमें यहाँ पे देख सकते हैं ईंट को आधा लगाना पड़ा, मतलब ईंट को तोड़ना पड़ा। सबसे पहला काम तो ये कि ईंट हम तोड़ रहे हैं, समझ रहे हैं इस चीज़ को। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि अगर हम ईंट जितना छोटा दीवार में यूज़ करेंगे, उस दीवार की जो स्ट्रेंथ है वो उतनी ही कम होती जाएगी, समझ रहे हैं। अगर आप सोचें कि हमारे पास छोटे छोटे ईंटों के टुकड़े हैं और उससे हम पूरी दीवार खड़ी कर दें, तो खड़ी तो हो जाएगी बट उसमें स्ट्रेंथ उतनी अच्छी नहीं रहेगी, उसकी क्षमता उतनी अच्छी नहीं रहेगी। तो इसलिए एक सॉल्यूशन निकाला गया कि ये जो बॉन्ड आपके बन रहे थे, जो जॉइंट आपके बन रहे थे, वो भी टूट जाएँ और दीवार की क्षमता भी ना घटे। तो उसकी लिए एक काम किया गया, काम क्या किया गया, तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाता हूँ, ठीक है। और उसको आप लोग प्लीज़ करके अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं अभी जस्ट बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अब क्या किया गया, देखिए जो आपका मैंने बताया पीछे जो जॉइंट आपके आ रहे थे, ठीक है, एक सीधी रेखा में, उनको तोड़ने के लिए हमने आधी ईंट का प्रयोग किया था, मैंने बताया था। लेकिन ईंट को बार बार तोड़ना और ईंट का आधा हो जाना, मतलब ईंट छोटी हो जाना और फिर उसको दीवार में लगाना, ये थोड़ा सा हम लोगों के लिए हार्मफुल था। क्यों हार्मफुल था? क्योंकि जो आपकी दीवार खड़ी हो रही थी उसकी स्ट्रेंथ कम हो जा रही थी, ठीक है। इंजीनियर्स ने देखा कि जो आप आधी ईंट लगाए जा रहे हैं पूरी दीवार में, उससे आपकी जो दीवार है वो क्या है, कम स्ट्रेंथ वाली हो जा रही है। तो फिर उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला, और सॉल्यूशन क्या निकाला कि जो ये ईंट थी आपकी, ठीक है, ये फुल ब्रेक बना रहा हूँ मैं, पूरी की पूरी जो ईंट है वो बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ये आपकी फुल ब्रेक है, ये आपकी कुछ ईंट होती है इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब आप इस ईंट को ऐसे बीच से ना तोड़ो, ठीक है, बीच से ना तोड़ो, मतलब इसको हाफ ना करो, ठीक है, क्या ना करो, हाफ ना करो इसको। अगर आपको हाफ करना ही है तो इसको हाफ ऐसे करो, ऐसे, ठीक है, कैसे करो, ऐसे। अभी हम कर रहे थे ईंट को ऐसे हाफ, अब बोले कि भाई साहब आप ईंट को ऐसे हाफ करो, मतलब जैसे ये आपकी क्या है, ईंट है, ये आपकी ईंट है, मैं इसका ये टॉप व्यू दिखा रहा हूँ दोस्तों, क्या दिखा रहा हूँ, टॉप व्यू, ये जो ईंट है। उन्होंने कहा कि अब आप ईंट को ऐसे तोड़ते थे, अब आप ईंट को ऐसे तोड़ो, ऐसे इसको क्या करो, दो भाग कर दो ऐसे, ठीक है, मतलब ये ऊपर का पार्ट इतना अलग कर दो, ये वाला, और ये नीचे का अलग कर दो। जब आप इसको अलग करेंगे तो क्या स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। आपको कुछ ईंट दोस्तों इस तरीके से देखने को मिलेगी, एक ईंट ये बन जाएगी और दूसरी ईंट आपकी निकल करके ये आ जाएगी, देखिए ये, हाँ एक सेकंड, ये, ठीक है, इस तरीके से। इस ईंट से आपने दो ईंट बना दी जो कि सेम साइज़ की हैं, साइज़ दोनों का सेम है। तो इन ईंट को क्या कहा गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन ईंट को कहा गया क्यून क्लोज़र, इन ईंट को कहा गया क्यून क्लोज़र, क्यून क्लोज़र, ठीक है। इसको हम कहते हैं हिंदी में मादर डेली, मादर डेली, ठीक है, क्या बोलते हैं, क्यून क्लोज़र। तो क्यून क्लोज़र का यूज किया जाता है दोस्तों जो भी मेसनरी वर्क होता है उसमें जॉइंट को तोड़ने के लिए, मतलब कि जो रद्दे में जॉइंट बन रहे हैं और जो एक सीधी रेखा में आ रहे हैं, जिससे हमारी जो कह सकते हैं लोड ट्रांसमिशन की जो प्रोसेस है दीवार में, वो हमारी क्या हो रही है, एक ही ईंट पे चल रही है, वो सभी ईंटों पे बराबर रूप से नहीं हो रही है, उसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्वीन क्लोज़र का यूज करते हैं। तो क्वीन क्लोज़र समझ में आ गया होगा कि जब हम किसी भी फुल ब्रिक को उसकी लंबाई की दिशा में दो भागों में तोड़ते हैं तो हमारे क्यून क्लोज़र बनते हैं, यानी कि एक क्यून क्लोज़र ये बन गया और दूसरा क्यून क्लोज़र ये बन गया। अब आपको इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये रखनी है याद कि जो क्यून क्लोज़र है इसका साइज़ क्या रहता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अगर ये थ्योरी आप समझ लेंगे ना, तो जो आपका कह सकते हैं एक सब्जेक्ट आपका आता है उसका नेम क्या है, एक सेकंड, आपका बिल्डिंग, हाँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट है इसी थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है, तो उसमें आपका बहुत हेल्पफुल रहेगा क्योंकि ये सारी चीज़ें वहाँ पे पढ़नी है और मैं पढ़ाऊँगा भी, तो बहुत हेल्पफुल आपके लिए रहेगा कि ये क्यून क्लोज़र क्या होता है, आपका स्ट्रक्चर क्या होता है, आपका हेडर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी, है ना। तो अब आपको समझना है कि क्यून क्लोज़र का साइज़ क्या रहेगा। तो क्या मुझे कोई स्टूडेंट बता सकता है कि साइज़ क्या होगा? बताने का मतलब ये है कि आप अपने माइंड में सोचिएगा कि आपका क्यून क्लोज़र का साइज़ क्या हो सकता है। मैं आपको ईंट का साइज़ बता चुका हूँ,
कि जो ईंट का साइज़ है वो 19 सेंटीमीटर × 9 सेंटीमीटर × 9 सेंटीमीटर होता है। अब ध्यान ये रखना कि मैंने ईंट को इस तरीके से काटा है 20 से 2 भागों में, तो अब आपका जो यहाँ पे क्यू इनक्लोजर निकल करके आएगा, मतलब जो ये दो टुकड़े निकल करके आए हैं, इनका क्या साइज़ रहेगा। तो अगर मैं बात करूँ साइज़ की, तो ध्यान दीजिए इसकी जो लेंथ है वो तो ईंट की लेंथ के ही बराबर है, मतलब हम कह सकते हैं 19 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, किसकी, क्यू इनक्लोजर की। अगर मैं बात करूँ चौड़ाई की, तो ये ईंट की चौड़ाई होती है जो कि 9 सेंटीमीटर होती है, लेकिन अब ये तो दो भागों में बढ़ गई ना, तो हम कह सकते हैं कि जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी है, 4.5। तो 4.5 सेंटीमीटर जो है वो हमारी चौड़ाई होती है, किसकी, क्यू इनक्लोजर की। अगर मैं आपसे बोलूँ कि थिकनेस कितनी होगी, तो थिकनेस तो उतनी ही रहेगी, ठीक है। ये जो थिकनेस है आपकी, ये वाली यहाँ से यहाँ तक, वो तो उतनी ही रहेगी ना, क्योंकि हमने थोड़ी ना ऐसे काटा है, हमने तो इसको ऐसे काटा है बीच से, ठीक है ना। तो आपकी जो कह सकते हैं दोस्तों थिकनेस है वो वही रहेगी। आप थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करना, अगर आपके पास में कोई ईंट हो ना तो उसको लेना अपने हाथ में और इमेजिन करना जैसी चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो थिकनेस भी आपकी 9 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो अगर आपसे कोई कभी भी क्यू इनक्लोजर का साइज़ पूछता है कि क्या होगा, तो आपको बताना है 19 सेंटीमीटर लेंथ होती है और जो 4.5 सेंटीमीटर होती है उसकी ब्रेथ होती है, क्योंकि जब आप इसको ऐसे लंबाई की दिशा में काटेंगे तो जो ईंट की चौड़ाई होगी ना वो दो भागों में बटेगी, ना कि उसकी थिकनेस, ना ही लेंथ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि जब ईंट को ऐसे काटते थे तो उसकी जो लेंथ थी 19 सेंटीमीटर वो दो भागों में बट जाती थी, मतलब 9.5 सेंटीमीटर और 9.5 सेंटीमीटर, समझ में आ गया ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, और इसी का हम यूज़ करते हैं दोस्तों कहाँ पे, आपका जो भी दीवार खड़ा होगा उसमें वर्टिकल जॉइंट को तोड़ने के लिए, ठीक है। अब इसका यूज़ कैसे करते हैं तो मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको दीवार आप खड़ी करनी है, तो अब इसका यूज़ आप कैसे करेंगे, अभी मैं आपको फिगर भी दिखाऊँगा, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब ये मैं दोस्तों दीवार का टॉप व्यू दिखाने जा रहा हूँ आपको, कौन सा व्यू, टॉप व्यू। अब इसमें करते क्या है कि जैसे हमने पहला ईंट लगाया ऐसे, ठीक है ना, ये पूरा फुल ब्रेक है आपका, ये इस तरीके से फुल ब्रेक है ऐसे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे फिर क्या करेंगे, ये हम लोग क्यू इनक्लोजर यूज़ करेंगे, मतलब हमको इस ईंट का आधा भाग लगाना है, मतलब हम ये भाग लगाएंगे इतना ऐसे, ठीक है, ये ईंट का आधा भाग हो गया ना, और फिर पूरी ईंट लगाते जाएंगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से पूरी ईंट लगाते जाएंगे, ये देखिए, ये फिर हम पूरी ईंट लगाते जाएंगे इस तरीके से। अभी बॉन्ड पढ़ेंगे, आगे ड्राइंग पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। इस तरीके से हम पूरी ईंट लगाते जाते हैं, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। और हमें स्टार्टिंग में जो है यहाँ पे ये क्यू इनक्लोजर यूज़ करना होता है, तो क्यू इनक्लोजर को हम ऐसे ना दिखा करके क्यू इनक्लोजर को हम इस तरीके से फिल कर देते हैं ऐसे, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से, जो कि हमारा बताता है कि हाँ भाई साहब हमने यहाँ पर क्यू इनक्लोजर यूज़ करा हुआ है, ठीक है, CLOSER, ठीक है, हमने क्या यूज़ करा हुआ है, क्यू इनक्लोजर यूज़ करा हुआ इस तरीके से। अब यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है हमको, अब जैसे ही हम इस पर दूसरा रद्दा रखेंगे, मतलब दूसरी हम लोग स्ट्रिप रखेंगे ईंट की, तो वो हमारी कहाँ तक आएगी, वो हमारी दोस्तों कहाँ तक आएगी, यहाँ तक आएगी, है ना, यहाँ तक आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि अब जब इसके ऊपर हम ईंट रखेंगे ना, तो वो ईंट हम ऐसे रखेंगे, ध्यान दीजिए हम ईंट ऐसे रखेंगे, एक ईंट यहाँ पर आ जाएगी और दूसरी ईंट ऐसे आ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि ईंट की जो लेंथ होती है वो 19 सेंटीमीटर होती है, और वो कहाँ तक जाएगी, ये आपका यहाँ से यहाँ तक 9 और कुछ और बढ़ेगा यहाँ तक, तो वो ऐसे आएगा और फिर बॉन्ड आपका टूट जाएगा। अब आप इसको फिगर से समझिए, फिगर से समझने का मतलब ये देखिए, यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, ये रहा आपका फिगर, इससे समझ में आएगा आपको, ठीक है। इसमें दोस्तों हमने कैसा किया है, पहले हमने ईंट देखिए इस तरीके से रखी है हेडर के रूप में। अब हेडर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, समझ गए होंगे आप लोग। तो पहले हमने हेडर के रूप में रखा, फिर साइड में हमने क्यू इनक्लोजर लगाया, ठीक है, ऐसे लंबाई की दिशा में लगाया ऐसे, फिर हम रखते गए ईंट को ऐसे 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 हेडर के रूप में। ये जो ईंटें रखी हुई हैं सारी की सारी, ये टॉप व्यू दिखा रही हैं, और जब आप इसको यहाँ से देखेंगे तो आपको ईंट का ये सामने वाला फलक दिखाई देगा, ये वाला, ये हेडर जो दिखाई देगा वही जो दिखाई देगा सामने से, जो कि आपको इस दीवार में दिख भी रहा होगा, ये जो दीवार आप देख रहे हैं ये वाली, इसमें दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये पूरा हेडर दिखाई देगा। इसके बाद जैसे ही हम दूसरा रद्दा रखते हैं, तो फिर वो स्ट्रेचर फॉर्म में हम रखेंगे अगर ऐसे, तो वो हमारा देखिए यहाँ तक जाएगा ऐसे, यहाँ तक। आप थोड़ा इमेजिन करिए, समझ में सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं सारे जॉइंट जो हैं हमारे वर्टिकल वो टूट चुके हैं,
क्या हो चुके हैं दोस्तों, टूट चुके हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्यून क्लोजर का यूज करते हैं, ठीक है। अब ये एक साथ बहुत सारे रद्दे रखे हुए हैं, अगर एक एक रद्दा आपको दिखाया जाता तो फिर आप अच्छे से समझ सकते थे, ठीक है ना। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, एक रद्दा दिखाया है आपका ऊपर, ठीक है। अभी ड्राइंग बनाएंगे ना तो उसमें हमें एक एक रद्दा बनाना पड़ेगा, ठीक है। पहला रद्दा, फिर दूसरे रद्दे की अलग ड्राइंग, तो वो आपको डिटेलिंग में समझ में आएगा। बस अभी केवल इतना समझना है कि ये क्यून क्लोजर कैसे लगाया गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से लगाया गया, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यून क्लोजर का यूज़ किस तरीके से होता है, ठीक है, और ये किसके काम में आता है। तो ये हमारा दोस्तों क्या होता है, वर्टिकल जॉइंट को तोड़ने के काम में आता है। साइज़ क्या होता है तो मैं बता चुका हूँ, इसकी लेंथ आपकी 19 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4.5 और थिकनेस 9 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। चलिए, कितना समझ में आ गया। अब दोस्तों आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी कि जो आपको ये जंक्शन पढ़ने थे, एल जंक्शन, टी जंक्शन, इनको आपको इंग्लिश बॉन्ड में पढ़ना था। ये आपने देखा होगा, ये सिलेबस का आपका पर्चा है, आप देख सकते हैं। दूसरी ड्राइंग शीट में जो बॉन्ड पढ़ने थे वो आपको इंग्लिश बॉन्ड में पढ़ने थे, ठीक है। कैसे इंग्लिश, ये आपकी कह सकते हैं इंग्लिश बॉन्ड होती है। बॉन्ड को हिंदी में चाल कहते हैं, ठीक है, मतलब चिनाई जो काम हम कर रहे हैं वो हमें इंग्लिश चाल के हिसाब से करना है। तो अभी इंग्लिश चाल क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है ना कि इसी चाल में हमको टी जंक्शन एल जंक्शन बनाना है ना। तो अब ये इंग्लिश चाल क्या होती है, तो इंग्लिश चाल को समझने से पहले आपको हेडर चाल और आपको स्ट्रेचर चाल समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इनकी ड्राइंग दोस्तों यही बनी हुई है बुक में, मैं इसी में समझा देता हूँ। तो पहले दोस्तों आप समझिए स्ट्रेचर चाल क्या होती है, ठीक है। ये फिगर मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि थ्योरी व्योरी नहीं पढ़नी मुझे, केवल मैं फिगर दिखाना चाहता हूँ, ताकि बनाऊँगा तो टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों स्ट्रेचर जो चाल होती है वो क्या होती है, स्ट्रेचर चाल आपकी ऐसी चाल होती है, अगर आपने मान लो दीवार खड़ी कर दी, जैसे कि ये दीवार आपने खड़ी करी, तो उस दीवार में आपने ईंटों को इस तरीके से लगाया कि अगर सामने से आप उस दीवार को देखें तो आपको केवल और केवल ईंट का स्ट्रेचर दिखाई दे। जैसे कि अगर आप इसमें देखिए, अगर आप सामने से देखेंगे तो केवल और केवल आपको ईंट का स्ट्रेचर दिखाई देगा, दिख रहा है ना। ये जो स्ट्रेचर है वही तो है, ईंट की लंबाई दिखाई दे रही है, ईंट की थिकनेस दिखाई दे रही है, हर एक ईंट की, तो हम कहेंगे कि स्ट्रेचर है, ठीक है ना। तो यानी कि इस दीवार में हमें सारा का सारा स्ट्रेचर ही दिखाई दे रहा है, पूरी दीवार में ईंट का स्ट्रेचर ही दिखाई दे रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे स्ट्रेचर चाल। समझ में आ गया। चलिए आप समझिए हेडर और फिर समझ में आइए आपको इंग्लिश, ठीक है। हेडर में क्या होगा, हेडर में आप ईंटों को इस तरीके से लगाएंगे कि जब आप दीवार को सामने से देखें तो केवल और केवल आपको ईंट का हेडर दिखाई दे। अब ईंट का स्ट्रेचर क्या होता है, ईंट का हेडर क्या होता है, तो मुझसे मत पूछना, क्योंकि दोस्तों मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि ईंट का स्ट्रेचर क्या होता है, ईंट का हेडर क्या होता है। नहीं समझ में आया तो फिर से रिवर्स जाकर के देख लेना बाद में, ठीक है ना। चलिए, तो हेडर चाल क्या होती है, हेडर चाल ऐसी चाल होती है कि अगर हम दीवार के सामने खड़े हो जाएं और अपनी आंखों से उस दीवार को देखें तो उस दीवार में ईंट का केवल और केवल हेडर दिखाई देना चाहिए। आप देख सकते हैं पूरी की पूरी दीवार में आपको हेडर ही दिखाई देगा, कहीं भी स्ट्रेचर दिखाई नहीं देगा, है ना। तो उसको हम कहते हैं आपका हेडर चाल। स्ट्रेचर चाल में पूरे के पूरे स्ट्रेचर ही दिखाई देते हैं दीवार में, ठीक है। चलिए अब समझिए इंग्लिश चाल, है ना, अब समझिए इंग्लिश चाल। अब इंग्लिश चाल देखिए चुटकियों में समझ में आएगी, अगर आपको दोस्तों हेडर चाल और आपको यहाँ पे स्ट्रेचर चाल समझ में आ गई। अब इंग्लिश चाल में क्या होगी दोस्तों, एक रद्दे में तो स्ट्रेचर होगा, एक रद्दे में स्ट्रेचर, फिर उसके ऊपर हेडर होगा, फिर आपका स्ट्रेचर, फिर आपका हेडर। इस तरीके से अगर चिनाई हमारी होती है तो उसको हम कहते हैं इंग्लिश चाल। मतलब दीवार हम ऐसी खड़ी करें कि पहले तो हम पूरी पहले रद्दे में स्ट्रेचर लगा दें, या हेडर भी लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि अगर स्ट्रेचर लगाए तो फिर हेडर लगाएंगे, और अगर हेडर लगाया तो फिर स्ट्रेचर लगाएंगे। मतलब स्टार्टिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं, या तो हेडर से कर सकते हैं या स्ट्रेचर से कर सकते हैं, लेकिन जब आपको स्ट्रेचर हेडर इस तरीके से लगाना, मतलब आप कह सकते हैं क्रमागत रूप में, ठीक है ना, जिसको हम अल्टरनेटिव ऑर्डर बोल सकते हैं, उस तरीके से लगाना। जैसे कि आप ये वाली दीवार समझिए जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, अगर दोस्तों आप इस दीवार में देखेंगे कि चिनाई किस तरीके से है, तो ये आपकी इंग्लिश बॉन्ड में है। इंग्लिश बॉन्ड में कैसे है, तो आप देखेंगे कि जो पहला रद्दा है उसमें पूरे में आपको क्या दिखाई दे रहा है, हेडर, फिर दूसरे रद्दे में स्ट्रेचर, फिर आपको हेडर, फिर स्ट्रेचर।
तो अगर इस तरीके से आपने ईंट को लगा रखा है कि पहले रद्दे में हेडर, दूसरे में स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर, अब ऐसा मत कहना कि सर यहाँ पे आपका स्ट्रेचर हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, अगर पहले रद्दे में स्ट्रेचर लगा देते तो दूसरे में हेडर लगाना पड़ता, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर, ठीक है ना। बस ध्यान ये रखना कि पहला जो आपका कह सकते हैं रद्दा रहेगा, कॉर्स रहेगा, पूरे में हेडर या फिर स्ट्रेचर ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने रद्दे में स्ट्रेचर हेडर दोनों लगा रखे हैं, ठीक है ना। अगर ये ऐसा करते हो तो फिर वो दूसरा बॉन्ड बन जाता है, वो आपका फ्लेमिश बॉन्ड होता है। उसमें क्या होता है, एक ही रद्दे में आपका हेडर स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर, और फिर ऊपर उसका उल्टा फिर हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ हेडर से स्टार्टिंग की थी तो स्ट्रेचर हेडर, स्ट्रेचर हेडर, स्ट्रेचर हेडर, ऐसे, फिर यहाँ पे हेडर स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर, ऐसे, मतलब एक ही रद्दे में क्रमागत रूप से हेडर और स्ट्रेचर लगा रहता है। तो क्या आपको समझ में आ गया कि इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है, ठीक है ना, इंग्लिश चाल क्या होती है। तो इंग्लिश चाल एक ऐसी चाल होती है जिसमें ईंट को सामने से देखने पर उस इंग्लिश चाल दोस्तों एक ऐसी चाल होती है जिसमें दीवार को सामने से देखने पर, ईंट को सामने से देखने पर नहीं, दीवार को सामने से देखने पर उस दीवार में लगी हुई जो ईंटें हैं उस ईंटों में हम क्या देखेंगे कि एक ही रद्दे में लगाएंगे ईंटों में स्ट्रेचर दिखाई देगा, फिर दूसरी में हेडर दिखाई देगा, फिर स्ट्रेचर दिखाई देगा, फिर हेडर दिखाई देगा, है ना। मतलब क्रमागत रूप से रद्दों में हमें स्ट्रेचर हेडर का क्रम दिखाई देगा, तो उसको हम बोलेंगे क्या चीज़, उसको हम बोलेंगे दोस्तों इंग्लिश बॉन्ड, ठीक है। तो इसी बॉन्ड में हमको क्या करनी है, चिनाई करनी है, ठीक है, या हम कह सकते हैं ड्राइंग हमें बनानी है एल जंक्शन की, टी जंक्शन की, ठीक है ना। तो आई होप आज का जो ये थ्योरी वाला आपका लेक्चर था पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। क्या स्ट्रेचर होता है, क्या हेडर होता है, क्या जंक्शन होता है, कौन टी जंक्शन है, कौन एन जंक्शन है, ब्रिक का साइज़ क्या होता है, ठीक है ना, ब्रिक का स्ट्रेचर क्या होता है, ब्रिक का हेडर क्या होता है, इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है, कोर्स क्या होता है, जॉइंट क्या होता है, रद्दा क्या होता है, क्या किसी चीज़ में डाउट है आपको, नहीं है। और अगर दोस्तों इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई है ना, तो आप देखिएगा कि अब जब हम कल ड्राइंग बनाएंगे तो आपको कितना बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। और कहीं भी डाउट हो तो कमेंट कर देना आप लोग, मैं कल के लेक्चर में और समझा दूंगा, वैसे तो समझाऊंगा ही, लेकिन अगर मैं वर्ड यूज़ करता हूँ कि यहाँ पर हमें हेडर लगाना है, यहाँ पे स्ट्रेचर लगाना है, तो फिर आप कन्फ्यूजन में नहीं जाएंगे कि लगा क्या रहे हैं, ये ईंट को ऐसा क्यों कर दिया, ईंट को ऐसा क्यों कर दिया, ठीक है ना। तो आप समझेंगे कल के लेक्चर में, ठीक है ना दोस्तों। चलिए, तो आज का जो ये थ्योरी का लेक्चर है इसको आप बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करिए, ठीक है। कहीं भी डाउट होता है तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और घबराइएगा नहीं, पूरा सिलेबस आपका कराया जाएगा। और हाँ, अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड के भी आपके टीचर मैंने अरेंज कर दिए हैं, वो बहुत ही जल्दी आपको लेक्चर प्रोवाइड करने लगेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों के साथ जल्दी से फैला दीजिएगा, ठीक है, अपने ग्रुप वगैरह में फैला दीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे, ठीक है। इस चैनल पे कोई भी पेड कोर्स या आपका जो भी अदर कोर्स चलता हो, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे जो चीज़ मिलती है भले ही वो कम से कम मिले, ठीक है, यानी मेरा कहने का मतलब भले ही हम एक सब्जेक्ट पढ़ाएं चैनल पे, लेकिन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा और पूरा टोटली पढ़ाया जाएगा, है ना। चलिए, तो ये आपको अच्छा लगे तो आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, ओके दोस्तों। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है दोस्तों। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।